गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का समय है और मैं मुस्कान के लिए लंच डाल रही हूँ, तो ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ नीचे से क्योंकि मुस्कान का लंच छोटा सा है, तो उसके लिए छोटा छोटा मैं रोटी बनाई हूँ जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बना करके रख ली थी, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि लेट हो जाएगा उसको, तो मैं पहले उसका ही लंच तैयार कर ली, उसके बाद फिर मैं बाकी का मैं बनाई हूँ। और मुस्कान मेरे बगल में खड़ी है, जल्दी करो बोल के, तो मैं उसी को बंद करके देती हूँ, वो लेके जाएगी अभी लंच। लो खुश, बाप रे लंच बॉक्स इतना प्यार। पानी की बोतल ले जाओ, हम नाश्ता निकाल देते हैं। हाँ, एक बोतल में और भर देते हैं, रुक जा, एक बोतल में और भर देंगे। अभी इतना गर्मी है कि एक बोतल पानी से होता नहीं है। चलो भाई फटाफट फटाफट किया जाए, बहुत लेट हो रहा है, मुस्कान का टाइम बहुत हो गया है, सुबह में इतना जल्दी स्कूल है, आदत है नहीं, और उसको इतना दिन के बाद। सुबह में मुस्कान रोटी खाना नहीं चाहती है, इसीलिए फ्रूट खाना चाहती है, तो मैं सोची कि फ्रूट कस्टर्ड बना देती हूँ। मुस्कान नाश्ता करके आ गई है और मैं इसका चोटी कर रही हूँ, और इसका लेट हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, लेकिन इसका बाल जल्दी जल्दी करने से होता नहीं है, बाल है बहुत छोटा है इसका, तो कितना भी चारों तरफ से समेट करके इसका चोटी करें ना, फिर भी कुछ ना कुछ बाल छूट ही जाता है, लेकिन करना ही है क्योंकि इनको स्कूल में फर्स्ट डे ही बोल दिया गया था कि दो चोटी करके आना है। वैसे मैं फर्स्ट डे भी इसको चोटी करके ही स्कूल भेजी थी, और मैम भी बोली कि नहीं दो चोटी करके ही आना है। अब मनु मुस्कान को देख करके हंस रहा है क्योंकि मुस्कान ऐसे सूट और दुपट्टे में पहले कभी देखा नहीं है, तो उसके लिए नया नया है, तो उसको थोड़ा शायद अजीब लगता होगा, इसलिए देख करके हंस रहा है जब से वो सूट पहन के जा रही है तब से। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं तैयार होकर के बैठी हूँ, मनु भी तैयार हो गया है, गाड़ी निकालने के लिए गया है, तो हम लोग को जल्दी से जाना है, और वहाँ से मुस्कान के स्कूल से आने से पहले वापस भी आना है क्योंकि मुस्कान को फिर लेने के लिए जाना होगा, तो इसीलिए जल्दी से जाना है। तो ऐसे पहला बार तो होने रहा, मनु तैयार होकर गाड़ी निकल गया, गाड़ी तो सुबह ही निकल गया था ना, मुस्कान को छोड़ने के लिए गया था, तो हम लोग निकलते हैं फटाफट से। कहाँ गया मेरा, यहाँ पे रखे हैं। चलो कुछ पकड़ना भी है, पेपर पकड़ लो। अच्छा निकाल के आओ, हम निकलते हैं, तब तक दरवाजा खिड़की चेक कर भी लेते हैं साथ में। जस्ट अभी हम लोग अंदर अभी घुस रहे हैं, घर में घुस ही रहे हैं, और अभी मैं फेस वॉश करके अपना ड्रेस चेंज की हूँ और कूलर में लेने आई हूँ, इसको हॉल में लगाते हैं। मनु तो गेट के बाहर ही छोड़ करके चला गया, यहाँ मैं कूलर घसका रही हूँ धीरे धीरे करके, इसी तरह घसका घसका के लेके जाते हैं क्योंकि इसमें चक्का लगा हुआ है तो आसान होता है ले जाने में, तो इसको लेके जाते हैं हॉल में, जब तक बच्चा लोग भी आ जाएगा फिर वहाँ लगा देंगे, तो ठंडा ठंडा हवा लगेगा। सुबह से तो कोई घर में था नहीं, तो निकाले ही नहीं थे रूम से। अब राहत मिल रहा है, बाहर धूप में इतना ज्यादा कड़ा धूप का लग रहा था, झुलस गए हैं इतना कड़ा धूप का, लेकिन आज गए तो काम हुआ नहीं पूरा, मतलब काम हुआ लेकिन पूरा काम नहीं हुआ, फिर से एक दिन जाना पड़ेगा, पता नहीं कब जाएंगे, मन को टाइम मिलता नहीं है, दो महीना से काम अटका पड़ा था, लेकिन फाइनली आज टाइम मिला है हम लोग को, मतलब कि मनु को टाइम मिला तभी जाएंगे, क्योंकि मेरे अकेले जाने से नहीं हो पाता, ये काफ़ी दूर है और मुझे पता भी नहीं है किधर किधर कैसे कैसे जाना है, ऑटो से जाने में बहुत दिक्कत भी होता है, कैसे कैसे जाना है वो पता नहीं था, तो मनु को पता था, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि कब मनु को टाइम मिलेगा तो जाएंगे। फाइनली आज टाइम मिल गया, हालांकि पूरा काम कम्प्लीट नहीं हुआ है लेकिन कुछ काम तो हो गया, अब फिर से एक दिन जाना पड़ेगा। और अभी मनु गया है मुस्कान को लेने के लिए क्योंकि मुस्कान का टाइम हो गया, हम लोग तो सोच रहे थे पता नहीं टाइम से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत हवा लग रहा है, आवाज पूरा आ रहा है, तब से गर्मी लग रहा था, तो वही मुस्कान के टाइम तक पहुंच पाएंगे, छुट्टी के टाइम तक क्या नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग सोच रहे थे, लेकिन चलो टाइम से पहुँच गए। गुड आफ्टरनून, आज तो मुस्कान को मजा आया होगा, पैदल आना नहीं पड़ा, बैग भी नहीं ढोना नहीं पड़ा, भैया बैग ढो के ला रहा है ना, थक गया भैया का हालत खराब हो गया,
अंदर खड़ा ऐसे ऐसे करके तो बोल रहे थे का है अंदर तो हाय बोल रहा था तुमको तुमको बोला था ना गेट के बाहर आ जाना नहीं तो कहे खड़ा नहीं होने देता है सब बच्चे लोग तो निकलता है निकलना तो डायरेक्टली निकलो ना मतलब नहीं समझे देखो मुस्कान का कुछ मिल गया मुस्कान को अब मुस्कान ड्रेस तक नहीं खोलेगी मुस्कान पहले 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 जाके पहले जाके जाओ ड्रेस चेंज करो हैंड वॉश करो चलो चलो और कुछ देंगे और कुछ ला दिया है भैया तेरे लिए इतना इतना ढारा रहे ये तो झाग झाग है खाली बाकी अपने सब ऊपर डालना के पूछ हम लोग ठंड कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं मुस्कान का फेवरेट वाला मिरिंडा लेके आए हैं आ जा मुस्कान जल्दी से मेरे तो कौन ढाल रहा उसको तीन लीटर का गिलास को सब तरह सारा पी गया फिर दोबारा ढाले उसमें से भी आधा कर दे चुपचाप से पता और देखो चलो मुस्कान चलो इतना बोतल खाली कर दिया मुस्कान मनु अकेले इतना बोतल खाली दिया है मुंह तो पानी बोले सब हमको बोल रहे कि सब अपने अपने हम खाली पिए खत्म किए लो सब पिया है सब कोई नहीं पिया है अभी तुरंत जस्ट मुस्कान आई है गिलास का दो बार तुम ढाल के पी गए हम ढाल के रखे थे हम आधार ढाल रहे थे आप लोग एक गिलास ढाल अगर ये गिलास अगर ना पता है ना तो मनु डेढ़ गिलास पी गया है इस गिलास से हम लोग तो इतना ही ढाल रहे देखो आप लोग दो गिलास पी गए अभी शाम हो गया है और ये जाली लेकर के मनु आया है टॉयलेट और बाथरूम का खिड़की में ठोकने के लिए लगाने के लिए जो वेंटिलेशन के लिए जो टॉयलेट बाथरूम में खिड़की छोड़ा जाता है उसी में लगाने के लिए क्योंकि आप लोग पहले वाली वीडियो में देखे थे कि कैसे हमारे घर में बाथरूम के अंदर सांप घुस गया था और मुस्कान बाल बाल बच गई वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता तो भगवान बचाने वाले हैं बचा लिए उस दिन नज़र पड़ गया और पीछे में जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं यही वाला आम का पेड़ का सारा डाल हमारे घर में चढ़ा हुआ था सटा हुआ था जिसको कि मनु काट चुका है और अब उन लोगों जो भी बोलना है बोलेंगे जो भी गाली देना है गाली देंगे क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है और मेन दिक्कत है कि खिड़की में जो वेंटिलेशन के लिए जो खिड़की छोड़ा हुआ है उस पर शीशा भी नहीं लगा हुआ हालांकि शीशा लगाने के लिए दिया हुआ है लेकिन हम लोग नहीं लगवा पाए हैं तो फिलहाल हम लोग सोचे कि इसमें जाली ही लगा देते हैं कम से कम सेफ तो रहेगा अब शीशा कब लगेगा नहीं लगेगा ये तो पता नहीं है तो एक में ठोक लिया और ये दूसरा वाला में ठोकने के लिए लेके आया है तो पहला वाला थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो ये दूसरा वाला है ये थोड़ा सा बड़ा था उससे तो बोले इसको कि साइड से हल्का हल्का सा मोड़ दो ताकि अच्छा से मजबूत रहे और कील ठोकने में भी आसानी होता है उस कील मतलब ठोकने से इसको अच्छे से पकड़ा हुआ रहता है तो दिक्कत नहीं होता है कि हाँ ये टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ निकल जाएगा किसी भी तरह तो ये डबल हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि किनारे से पूरा मोड़ दिया है और ये ठोक रहा है पहले अच्छे से इधर उधर करके नाप के देख ले रहा है कि ठीक से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है क्योंकि ऊपर में छज्जा निकला हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा ठोकने में दिक्कत हो रहा था बाथरूम वाले में ठोक तो दिया है लेकिन उसमें भी ऐसे ही दिक्कत पड़ रहा था एक तो जाली छोटा भी पड़ रहा था और ऊपर से ये छज्जा की वजह से ठोकने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था ये देख रहे होंगे आप कैसे मुड़ा मुड़ा हुआ सा है क्योंकि मनु ठीक से ठोकना जाना भी नहीं ऊपर नीचे कभी इस कोने से लेके इस कोने में ठोक रहा था मतलब इसी तरह ऊपर नीचे जिधर उधर करके वो किल ठोका तो थोड़ा सा हल्का सा मुड़ा हुआ सा था तो इसलिए मैं बोली कि मैं बताते जाती हूँ तुम ठोकते जाओ तो मैं बोली उसको कि एक साइड से ठोको तो वो प्लेन से होगा वरना फिर वो भी ऊपर नीचे सा हो जाएगा तो मैं बताती कि वो ठोकता गया ठीक से बैठ गया और ठोकने के बाद जैसे ही मनु अंदर गया बाथरूम में कि देखने के लिए कि ठीक से बैठा या नहीं बैठा है तो बस पहले से कुछ सवा था एक मेढक बाउंड्री के बाहर फेंको घर में आदमी लोग कम जानवर लोग ज्यादा रहता है उन लोग का एक ही को था ना और एक तो नहीं ना होगा दे दो मुस्कान धोएगी नाक में थोड़ी था उसमें वही ना अब हमसे सीख गया नहीं सिखाया ठीक से बीच बीच में बंद हो जाता है
क्या हुआ? चलो पढ़ाई करो तुम पप्पी, यहाँ पे पानी का बोतल रखा हुआ है। तेरा बोलने से कुछ नहीं होता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे मुस्कान का स्कूल का बोतल रखा हुआ है, लेके ऐसे ही छोड़ देती है, सुंदर दिख रहा है। इधर ही रख देते क्योंकि रोज सुबह में तो इसमें बोतल में भरना ही पड़ता है। हाँ, कैसे नहीं लगता है? इधर उधर फेंक के रखना चाहिए, है ना? हाँ, हमको पता है। वो तो घर शायद